नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर। बिहार सरकार राशन कार्ड धारकों को लेकर जो है बड़ी सहूलियत देने जा रही है। बता दें कि अब बार बार राशन कार्ड बनवाने का टेंशन जो है अब आपसे दूर हो जाएगा, यानी कि आपको जो है बार बार राशन कार्ड बनवाने से मुक्ति मिल जाएगी। जल्द ही स्मार्ट कार्ड योजना लागू होने वाली है, वजह से 1,81,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड एक बार बनने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दोबारा राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कह लें कि स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल लोग ATM के रूप में भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, साथ ही साथ दुकानदारों की जो मनमानी है उस पर भी रोक लगेगी। इससे पहले की अगर हम बात कर लें स्मार्ट कार्ड से पहले, तो कई तरह के जो है शिकायतें राशन कार्ड धारकों की तरफ से PDS दुकानदारों को लेकर आती रही है। ऐसे में एक ही बहुत ही अच्छी योजना जिसको स्मार्ट कार्ड को लेकर जो है कही जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड को लेकर यही बताया जा रहा है कि इसमें एक QR कोड होगा, जिससे कि कार्ड धारकों को कहीं भी और किसी भी PDS दुकान में राशन लेने में सुविधा होगी। वहीं ध्यान दें कि राशन कार्ड में शामिल सदस्यों के जिनका आधार सेंडिंग नहीं है, वो 31 मार्च तक आधार सेंडिंग करवा लें। आधार सेंडिंग को लेकर बोलते हुए बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आधार सेंडिंग एवं सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश भी सभी अनुमंडल अधिकारियों को दिया गया है। लाभार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए दुकानदारों द्वारा आधार सेंडिंग के कार्यों में सहयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल प्रोबेबिलिटी के फायदे बताए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आधार कार्ड लिंकिंग के साथ साथ सत्यापन का भी कार्य जो है वो किया जाएगा, जिससे कि राशन कार्ड में अनियमितता व गड़बड़ी जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आधार सेंडिंग को लेकर यह भी बताया गया है कि बिहार में लाभुक परिवारों को वास्तविक संख्या जो है 1,81,00,000 की है, यानी कि इस हिसाब से 8,81,00,000 लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इस हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि हर परिवार के लगभग सभी सदस्यों का नाम इस कार्ड के तहत जो है जुड़ा हुआ है। अगर हम सरकार के सभी आंकड़ों को देख लें तो 7,11,00,000 लोगों का नाम जो है आधार सेंडिंग से जुड़ चुका है। अब तो बात अगर निकल कर सामने आ रही है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि 1,60,00,000 लोगों का आधार से सेंडिंग नहीं हुआ। अगर दोनों आंकड़ों को देखें तो इसमें जो है एक बड़ा अंतर है, और वो है 1,60,00,000 का। ऐसे में अब सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जिनका आधार कार्ड राशन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो जो है 31 मार्च तक अपना आधार राशन से जुड़वा लें। ऐसे में एक बात जो निकल कर सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि एक राशन कार्ड पर अधिकतम 20 लोगों का नाम जुड़ा हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर एक राशन कार्ड पे 20 लोगों से अधिक लोगों का नाम है तो इसकी जगह पे जो है अब एक दूसरा राशन कार्ड बनवाना होगा। इससे पहले कि अगर हम बात कर लें तो इससे पहले जो है एक राशन कार्ड पे कई लोगों का नाम था, जिसको लेकर भी जो है राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कहा गया कि आप जो है अधिकतम 20 लोगों का ही नाम रख सकते हैं। तो ऐसे में जब स्मार्ट कार्ड बनेगा तो उसमें जो है एक साथ में 20 ही लोगों का नाम हो सकता है। इससे पहले कि कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें कि अगर एक प्रदेश में है तो दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों का भी नाम जो है जुड़ा हुआ सामने आया। तो इस तरह से कह लें कि पारदर्शिता तो आएगी ही, एक तो व्यक्तिगत रूप से पारदर्शिता आएगी लाभार्थियों को लेकर, दूसरा PDS दुकानदारों को लेकर भी जो है वो लाभ जो है आम लोगों को मिलने लगेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।